कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए, किस लिए आए? क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, एक महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और ख़ास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ बर्फ में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है, और मेरी आशा है कि ये रोशनी पूरे देश में फैलेगी, कि नफरत खत्म होगी और प्रेम ही इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।